Hello friends, this is Mr. Vinod sir and you are watching VS English Academy. Most welcome back on our YouTube channel VS English Academy. This video we are going to discuss about the uses of my, mine, his, her, hers, your, yours, their, theirs, our, ours. तो ये सारे uses के बारे हम आज बात करने वाले, ठीक है। तो इनका मतलब भी मैं बता देता हूँ। माइन मतलब मेरा, ठीक है। माइन मतलब क्या होता है? मेरा होता है। हिज मतलब उसका, हर मतलब उसका उसकी, हिज मतलब भी उसका उसकी, यूअर्स मतलब तुम्हारा या फिर हम आपका भी बोल सकते हैं, देयर्स मतलब होता है उनका और आर्स मतलब होता है हमारा। इज इट क्लियर? उसी प्रकार से इनका भी मतलब या फिर मीनिंग होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। हाँ, तो ये जो होते हैं हमारे सारे के सारे, माई, हिज, हर, योर, देयर और आर, इनको हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इनको कहा जाता है पजेसिव एडजेक्टिव। उसके साथ साथ इनको हम पजेसिव डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। और अगर आपको डिटरमाइनर्स में या फिर पजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है, इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना, डिटरमाइनर्स का मैं वीडियो लिंक डाल दूंगा। उसके माध्यम से, उसकी मदद से आप डिटरमाइनर्स इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकते हो। और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि इनकी यूज की वजह से सेंटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, किस प्रकार से सेंटेंस का मीनिंग बदलता है और किस कंडीशन में हमें माई का यूज करना चाहिए और कैसी ऐसी कंडीशन होगी जिस समय में हमें माइन का यूज करना चाहिए, कब ऐसा समय होगा या फिर क्या कंडीशन होगी जिस समय में हमें हिज का प्रयोग करना चाहिए और कब हमें हिज का प्रयोग करना चाहिए। देखो, दोनों कंडीशन में जो है ना, हिज एक जैसे होते हैं लेकिन उसका जो मीनिंग होगा सेंटेंस में जब हम यूज करेंगे तो वो मीनिंग चेंज रहेगा। उसके साथ साथ अगर यूअर का हम यूज करते हैं, यूअर की अगर बात करते हैं, तो उसका जब हम यूज करेंगे सेंटेंस में, यूअर के जगह पर जब हम यूअर्स का यूज करेंगे, तो सेंटेंस का मतलब जो है, मीनिंग जो है ना, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। कैसे? वन बाय वन जो है ना, हम ये सारी चीजों को एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो होते हैं, ये इस लाइन में जो भी कुछ लिखे हमने, माई, हिज, हर, यूअर, देयर, अवर, ठीक है, ये जब भी आते हैं सेंटेंस में, ये किसी के साथ तो भी आते हैं। जब भी आते हैं किसी के साथ तो भी आते हैं। इसका मतलब जो है ना, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें जो है, ये अलोंग विथ मतलब इसके बाद कोई तो भी वर्ड आना ही है, इनके बाद कोई तो भी वर्ड सेंटेंस में यूज होना ही है, आना ही है, क्योंकि ये किसी के तो भी साथ में आते हैं। देखो, ध्यान देना है, अच्छी तरह से समझना है, साथ में, किसी के तो भी साथ में आते हैं। लेकिन जब इनका यूज हम करते हैं, इनका जब हम यूज करते हैं, तो ये सिंगल आते हैं। इसका मतलब ये अलोन आते हैं, ये अकेले ही आते हैं, किसी और वर्ड के साथ हम इनका यूज नहीं करते हैं। कहना है ये कि ये अकेले में यूज होते हैं, ठीक है, अकेले में यूज होते हैं, ठीक, सेंटेंस में हम इनका यूज करते हैं अकेले में, लेकिन ये जो है ना, किसी और वर्ड के साथ यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। व्हाट इज क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल से, इनको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है ना, हम सेंटेंसेस में इनका यूज कर सके। सबसे पहले हम जो है ना, इनके यूजेस के बारे में देखते हैं कि इनका यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि मैं कहता हूं, ये पेन किसका है, ठीक है, ये पेन किसका है, तो आप बोलोगे कि मेरा पेन है, या फिर मैं कहता हूं कि दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, ये किसका पेन है, यह मेरा पेन है। अगर तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैं ऐसे लिखूंगा, This is my pen. ध्यान देना है, This is my pen. ये पेन मेरा है। तो देखो, माय के बाद जो है ना, पेन इस वर्ड का हम यूज किया, जैसे कि आपने लिखा अलॉन्ग विथ, किसी और के साथ में जो है ना, इनका हम यूज करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि ये उसका पेन है, ये उसका पेन है, तो This is his pen. ये उसका पेन है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये उस लड़की का पेन है, तो हम लिखेंगे This is her pen. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चीजें क्लियर हो रही है, आपको समझ में आ रहा है? देखो, डिटेल में आराम से हमें समझना है, आराम से। इसे नॉलेज एजुकेशन जो है ना, घाई गड़बड़ी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इनकम्प्लीट नॉलेज होता है, और इनकम्प्लीट नॉलेज जो है ना, हमारे लिए और सभी के लिए जो है ना, डेंजरस होता है। वो हमें और सामने वाले सभी को जो है ना, खत्म कर सकता है। इतना पावर जो होता है ना, गलत नॉलेज में होता है, इसलिए ध्यान देकर हमें सारी चीजें सीखनी है। उसके बाद जो है ना, यह उसका पेन है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे This is your pen. ये तुम्हारा पेन है, यह तुम्हारा पेन है। मैं कहता हूं कि जो पेन है, ये उनका पेन है, ये उसका पेन है, तो this is their pen, this is
देयर पेन, तो ये उनका पेन है। तो बात समझ में आ गई कि इस प्रकार से जो है ये सारे के सारे वर्ड जो है ना ये किसी और के साथ में आते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो पजेसिव एडजेक्टिव हमने लिखा है ठीक है उनके बाद जो है ना ये एक वर्ड का यूज किया है जो कि है पेन। मतलब ही बात क्लियर हो गई है कि जब भी हम इनका यूज करते हैं ये किसी और वर्ड के साथ में आते हैं, मतलब इनके लिखने के बाद भी कोई ना कोई एक दूसरा वर्ड यूज करना होता है। दिस इज माई पेन, मतलब यह पेन मेरा है ठीक है, सर यह पेन मेरा नहीं है, यह मेरा पेन है। दिस इज हिज पेन, यह उसका पेन है। दिस इज हर पेन, यह उसका उस लड़की का पेन है। दिस इज योर पेन, मतलब यह आपका पेन है। और दिस इज देयर पेन, मतलब यह उनका पेन है, उनका पेन है। तो इस प्रकार से देखो ये इधर वाली चीजों को मैंने क्लियर कर दिया हूं। अब देखते हैं कि इनका यूज कैसे किया जाता है और किस प्रकार से जो है ना इनकी यूज करने की वजह से सेंटेंस का जो मीनिंग रहेगा वो कुछ डिफरेंट आएगा कंपैरिजन टू द मीनिंग ऑफ दिस वन सेंटेंसेस। बढ़ते आगे और देखते हैं कि इनका यूज कैसे किया जाता है, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जो है ना इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये समझना बहुत ही जरूरी है, इसमें भी स्टूडेंट्स को बहुत सारा डाउट होता है और वो डाउट क्लियर करने के लिए ही जो है मैंने ये जो है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो है ना ये वीडियो डेवलप किया है आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक जबरदस्त सॉल्यूशन जो है ना आप तक पहुंचाया हूं ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर का बहुत ही अच्छी तरह से जो है ना आपको यूटिलाइज करना है, मतलब इस वीडियो लेक्चर के द्वारा जो भी मैंने चीजें आपको पढ़ाई है आपको समझा के दी, आपके डाउट पूरी तरीके से क्लियर करने की जो कोशिश की है ना उसका सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, मतलब ही आपके अपने डाउट को क्लियर करने के लिए इस नॉलेज का इस वीडियो लेक्चर का फायदा उठाना है और आने वाले समय में ऐसी गड़बड़ी नहीं करना है जो कि कल तक हम कर रहे थे। वो सारी गड़बड़ियों को, सारी कंफ्यूजन को, वो सारे मिस्टेक्स को जो है ना प्रॉब्लम्स इसको जो है ना हमें रूट आउट करना है, निकाल कर फेंकना है। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि इनका यूज करने की वजह से, इनका नहीं, इनका तो हमने देख लिया, इनका यूज करने की वजह से सेंटेंस के ऊपर कैसा असर होता है और इनका यूज कैसे कर सकते हैं और इनका यूज कैसे करते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कैसे होता है इनका यूज। इनका यूज तो हमने समझ लिया, अब इनका यूज कैसे करते हैं देखते हैं। देखो मैं कहता हूं कि यह, इसके पहले हमने ये जब हमने एग्जांपल लिए उसमें कहा था कि यह उसका पेन है, यह मेरा पेन है, यह उस लड़की का पेन है, यह उस लड़के का पेन है, या फिर यह तुम्हारा, या फिर यह आपका पेन है। इस प्रकार से हमने सेंटेंस में इनका यूज किया था। अब इनका यूज कैसे करते हैं देखो एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पे लेते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि टीचर अगर हमें पूछती है कि यह कॉपी किसकी है तो हम बोलते हैं ना मेरी है, हम बोलते हैं मेरी है। अपना अगर दोस्त बोलता है कि ये गाड़ी किसकी है तो हम बोलते हैं हमारी है या फिर मेरी है। तो यहाँ पे जो है ना ये पूरा सेंटेंस नहीं कहते हैं, हम उनके बोलते हैं कि मेरा है, उसका है, उसकी है, या फिर हमारी है, तुम्हारी है। इन सिंगल वर्ड में जो है ना हम यूज करते बोल देते हैं, आंसरिंग करते हैं, उसका कहने का जो रिप्लाई होता है वो हम देते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड है कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसका है किसकी है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जिसके कारण हम एक सिंगल वर्ड में जो है ना ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते, इज इट क्लियर। तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं उनका मतलब कुछ अलग निकलेगा। और इस प्रकार से जैसे कि मैं कहता हूं दिस इज माय पेन, तो यह मेरा पेन है, लेकिन मैं कहता हूं यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है और यह मेरा पेन है। दोनों अल्टीमेटली कहने का मतलब वही होता है, लेकिन यूज करने का जो ढंग होता है वो कुछ बदल जाता है और कुछ अलग होता है दोनों का यूज करते समय। देखो यहां पे एग्जांपल के माध्यम से क्लियर कर देते हैं कि दिस पेन इज ठीक है। पहले हमने लिखा था दिस इज माय पेन और अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं दिस पेन इज, तो ये तो सेंटेंस पूरा खत्म हो गया है। हमने देखा है कि ये जो यूज करते हैं इनके बाद जो है ना पेन का हमने यूज किया था, मतलब ही माय, हिज, हर, यूर, देयर और आर के बाद कोई तो भी एक वर्ड आया था ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है दिस पेन इज, मतलब सेंटेंस तो क्लियर हो गया है कि यह पेन है इसका तो भी, तो अब इनमें से हमें यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कहता हूँ दिस पेन, यह पेन मेरा है, तो दिस पेन इज माइन, तो ऐसे कंडीशन में जो है हम किसका यूज करेंगे माइन का, मतलब इसके बाद। ये तो अकेला आया है ठीक है, ये अकेला है, पहले ही हमारा सेंटेंस जो है ना कंप्लीट हो गया है, बस हमें इतना सा वर्ड एक सिंगल लगाना था, उसके बाद तो कोई भी वर्ड नहीं आया है। उसी प्रकार से अगर मुझे कहना है कि यह पेन उसका है तो फिर दूसरे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, दिस पेन इज हिज, यह उसका पेन, यह उसका पेन नहीं है, यह पेन उसका है, यह पेन उसका है। सॉरी मैं कहता हूं कि यह पेन जो है ना तुम्हारा है, यह पेन तुम्हारा है, तो दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज
यूएस। तो इस प्रकार से हमें लिखना होता है, इस प्रकार से सेंटेंस में इनका यूज करना होता है। यह किताबें किसकी है? यह किताबें उनकी है। सो दीज बुक्स आर, अब सिंगुलर प्लूरल वो थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ध्यान देना पड़ेगा हमें उस चीज के ऊपर। सो दीज बुक्स आर देयर्स, हम यहां पे लिखेंगे देयर्स, यह किताबें उनकी है। चलो आगे और एग्जांपल लेते हैं कि आज का यूज कैसे करेंगे। मैं कहता हूं ये जानवर, ये जो गाय है यहाँ पे, ये हमारी है, तो फिर लिखेंगे दीज काउज आर आर्स। तो बात को समझ लिया होगा आपने कि देखो जब भी हम इनका यूज करेंगे इनके बाद कोई भी वर्ड का यूज नहीं होता है, लेकिन जब भी हम इनका यूज करते हैं सेंटेंस में तो उस समय में जो है ना इनके बाद कोई तो भी एक वर्ड का यूज होना ही होता है और यूज करना होता आता ही है, क्योंकि ये जब भी आते हैं किसी और वर्ड को अपने साथ लेके आते हैं। लेकिन ये जो है ये जब भी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं या फिर जब भी इनका यूज किया जाता है सेंटेंस में तो उस समय में जो है ना इनके साथ कोई और वर्ड यूज नहीं किया जाता या फिर कोई और वर्ड जो है ना सेंटेंस में नहीं आता है, क्योंकि ये अलोन में यूज किए जाते हैं और ये किसी और अन्य वर्ड के साथ यूज किए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने इतने सारे एग्जांपल के माध्यम से जो है ना, चलो वन मोर एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि कंफ्यूजन और ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मैं कहता हूँ कि यह जो मोबाइल है, यह मोबाइल उसका है, तो मैं कहूंगा दिस मोबाइल इज उस लड़की का है, दिस मोबाइल इज हर्स, हम यहाँ पे लिखेंगे हर्स। और इसके पहले मैं लिखा था हमने हर और यहाँ पे हर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हर्स के बाद कोई भी वर्ड यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब जो है आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा कि जब भी इनका यूज करते हैं तो वर्ड के साथ आता है और इनका यूज करते हैं तो कोई और अन्य वर्ड का यूज नहीं होता है। तो वेरी स्वीटली मैं बता देता हूं कि ये जो है ये पोजीशन शो करने के लिए हम यूज करते हैं। तो पोजीशन जब भी हम शो करते हैं तो किसी चीज के ऊपर तो पोजीशन होता है ना कि वो किसकी चीज है, तो पोजीशन शो करने के लिए हम इनका यूज करने की वजह से जो है इनके बाद एक वर्ड का आना जरूरी होता है जो कि जनरली एक नाउन होता है, और इनका जब हम यूज करते हैं तो इनका यूज जो है ना सेंटेंस के एंडिंग में आता है। जो भी नाउन की बात करते हैं जो चीज उसकी होती है वो चीज का जो मेंशन ही होता है ऑलरेडी जो है ना सेंटेंस के पहले ही, मतलब उस वर्ड के पहले ही उसका यूज किया जाता है। तो इन शॉर्ट मुझे ऐसे लगता है कि इनका यूज कैसे करना चाहिए और इनका यूज कैसे करना चाहिए, इसका जो डिफरेंस है या फिर ये जो कंफ्यूजन है आपका क्लियर हो गया होगा। देखो बहुत ही आसान सी बात है, बस सेंटेंस में किस ढंग से उसका यूज करना चाहिए, बस वो एक वे अगर हमारे पकड़ में आता है ना तो बहुत ही अच्छी तरह से जो है ना ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके ऊपर हम आराम से कमांड कर पा सकेंगे। इज इट क्लियर? तो आई होप कि आपने ये डाउट जो है ना अपना अच्छी तरह से क्लियर किया है। और वीडियो को एंड करने के पहले जो है ना आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल पर आते हो, वीडियोस देखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियोज को लाइक जरूर करना है, शेयर भी साथ में करना है, क्योंकि आप जब वीडियोज को लाइक करते हो, शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही ज्यादा स्फूर्ति जो है ना हमें मिलती है, जिसके कारण जो है ना बहुत सारी अलग अलग प्रकार के जो डाउट्स होते हैं आपके उनको क्लियर करने की हम ज्यादातर कोशिश करते हैं। और हाँ, इनमें अगर कुछ डाउट्स होते हैं, इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स करना ना भूलना, कमेंट्स में लिखो, जरूर लिखो, आपका अधिकार है, आपको पूरी आजादी है, कमेंट्स करो और पूछो हमसे कि क्या डाउट्स है या फिर कोई अन्य टॉपिक को लेकर भी आपको अगर कुछ डाउट्स होते तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हो। दिया हुआ जो घंटी का निशान है उसको दबाना भी नहीं भूलना, क्योंकि जैसे ही एक नए टॉपिक को लेकर वीडियोस अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगा, जिसके कारण वो टॉपिक भी अच्छी तरह से समझना आपके लिए बहुत ही आसान सी बात हो जाएगी। और जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी आपको देखने के लिए ज्यादा लंबा समय वेट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपको बेल आइकन भी दबाना है, उसको भी दबाना नहीं भूलना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अलग अंदाज के साथ, अलग टॉपिक के साथ, ऐसे ही कोई एक चैलेंजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड फाइनली थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग अस। थैंक्स लॉट, विशिंग यू द बेस्ट, सी यू सून।